द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी एक कर रही है। मुफ्त की रबड़ी बांटने को विवाद बताने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस होर्डिंग का बड़ा आनंद ले रहे हैं जिसमें वो सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा कर रहे हैं। राजस्थान में एक ऐसा पोस्टर अभी वायरल है तो लोगों ने इस पोस्टर को शेयर कर तंज कसना भी शुरू कर दिया है और गंभीर सवाल भी पूछे हैं जो कि वाजिब सवाल है। तो सबसे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर वो होर्डिंग देख लीजिए। इसमें देखेंगे लिखा हुआ है 450 रुपए में गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री मोदी पगड़ी लगाकर सबसे आगे खड़े हैं, जेपी नड्डा भी दिखाई पड़ रहे हैं, वसुंधरा राजे भी हैं और राजस्थान के कुछ नेता भी दिखाई पड़ते हैं। लिखा हुआ है मोदी की गारंटी, ये कॉपी है। कांग्रेस की गारंटी जब होती है तो अब मोदी की गारंटी हो रही है, ये सिलेंडर 450 में देंगे। देश भर में 1100-1200 रुपए में दे रहे हैं और जहां चुनाव है वहां 450 में दे देंगे। अगर 450 में दे सकते हैं तो पूरे देश को फिर 1100 रुपए का सिलेंडर मोदी जी क्यों दे रहे हैं, ये सवाल तो लोग पूछेंगे ना। यहां देखिए इसमें लिखा हुआ है जन जन की पुकार आ रही है भाजपा सरकार। तो ये लोक लुभावन वादे ये करने पर दूसरों को कोसने वाले मोदी जी इस वक्त खुद इस तरीके के होर्डिंग लगा रहे हैं और अब खुद ही फंस चुके हैं, अपनी फजीहत करा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश तिवारी ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा भी है भाजपा की इस होर्डिंग को ध्यान से पढ़िए। हमने ध्यान से पढ़ लिया है, अब आप जरा समझिए कि अखिलेश तिवारी इस होर्डिंग के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और कैसे यह मोदी जी के लिए फजीहत वाली स्थिति है। लिखा हुआ है अगर राजस्थान में इनकी सरकार बनी तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भाई, लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं, पूरे देश में तो आपकी सरकार है, गैस मंत्रालय भी आपके अधीन है, पूरे देश में 450 रुपए का क्यों नहीं कर देते। अगर राज्य सरकार बनने की बात है तो पहले जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां कम कर दीजिए, वहां की जनता आपकी दुश्मन तो नहीं है, उनको भी लाभ मिलना ही चाहिए। निश्चित तौर पर अखिलेश तिवारी ने जो बातें कही हैं वो इस वक्त देश की हर जनता कहेगी कि गैस मंत्रालय है तो मोदी जी आपके अधीन है ना वहां पर, तो अगर आप चाहेंगे तो जिन जिन राज्यों में खास करके आपकी सरकार है वहां आप सिलेंडर 450 का कर दीजिए, लेकिन जहां चुनाव है वहीं करेंगे, वो भी इसलिए करेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार जहां बन रही है वहां पर जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या फिर अभी गैस की बात कर लें, तो इन सब में बहुत बड़ी राहत ये सरकारें देने का वादा कर रही हैं और दे भी रही हैं। जहां सरकार बन गई है वहां यह सुविधा मिलने लगी है। तो राजस्थान में भी कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि उन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया था और जब बाद में अब तो 400 रुपए तक की बात आ गई है, वो भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि भाई जब कांग्रेस 500 का कर दी तो हम 450 कर देते हैं, तो यह देखा देखी वाला खेल। खैर, अल्टीमेटली जनता को फायदा तो है, लेकिन यह फायदे की सीमा राजस्थान में ही क्यों रहनी चाहिए, यह सीमा हर उन राज्यों में पहुंचनी चाहिए। क्योंकि केंद्र से अगर नेतृत्व है, अगर सिलेंडर 450-500 रुपए तक में दिए जा सकते हैं तो फिर आप किसका जेब भर रहे हैं, किसकी जेब में इतने पैसे जा रहे हैं 1200-1200 रुपए का सिलेंडर, ये आम आदमी के ऊपर बोझ क्यों है। अभी हाल में जब 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आए तो 200 रुपए कम कर दिए गए, ये लीजिए 200 रुपए का तोहफा हम आपको देते हैं। तभी तो किसी ने तंज कसा था कि ये पूरे 4 साल कमाते हैं, 1200-1200 रुपए में, 1100-1100 रुपए में आपको सिलेंडर दे देंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो 200 रुपए कम कर देंगे। जनता को लगेगा वाह क्या सरकार, लेकिन उतनी मोटी कमाई हुई उसमें से आपको कुछ महीने के लिए 200 रुपए सस्ते सिलेंडर दे ही देंगे, तो इससे क्या घाटा लग जाएगा। यहां तो जनता को समझना होगा कि अगर सरकार सक्षम है तो फिर यह सरकार इतने महंगे सिलेंडर हमें क्यों बेच रही है। लेकिन मोदी सरकार पर भरोसा लोग जल्दी कर नहीं पाते हैं, इसी को लेकर एक ट्वीट हम दिखाते हैं। ममता त्रिपाठी ने याद दिलाए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे
तो उस वक्त होली दिवाली पर अमित शाह ऐलान कर रहे थे कि आप इधर वोट डालो उधर हम सिलेंडर आपको घर में मुफ्त पहुंचवा देंगे। अरे भाई होली दिवाली निकल गई लेकिन कुछ नहीं मिला। अखिलेश तिवारी के ट्वीट को ही शेयर करते हुए ममता त्रिपाठी ने लिखा है, यूपी में त्योहार में दो सिलेंडर वाली बात अभी भी तो जुमला ही थी। दूसरी बार की सरकार में हर आदमी डरा सहमा है। यहाँ की अफसरशाही से पता नहीं सरकार को कौन सी बात बुरी लग जाए, फिर सर कलम, कहीं सुनवाई भी नहीं है। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है या फिर जहां जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, उनकी तानाशाही, उनकी बुलडोजरबाजी या फिर गुंडों को खत्म करने के नाम पर गरीबों के घर तोड़ने का जो खेल चल पड़ा है, जिससे अदालत भी खफा है, वो सब खेल तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये सिलेंडर वाले खेल में कौन फंसेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, जुमलेबाजी खत्म नहीं होती है, ये सिलसिला चलता रहता है। हालांकि कांग्रेस ने इनकी काट ढूंढ ली है। एक खबर हमने देखा दैनिक जागरण पर है कि बीजेपी ने कहा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे और सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा दी गई। मुफ्त की रेवड़ी से इन्हें दिक्कत है, ये मामले को अदालत तक ले गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से देश में श्रीलंका जैसी हालात उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अभी ये बीजेपी वाले भी तो वही कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे, सालों साल मुफ्त राशन भी तो दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या ये रेवड़ी नहीं, रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आएंगी चीजें क्या? अब जरा गौर कीजिए, ये सब वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे देश अभी तक वंचित है, तभी तो सरकार को ये सारी चीजें पूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे देश का हर नागरिक इतना सक्षम अभी तक नहीं हो पाया है इन सरकारों की मेहरबानी से कि वो खुद इन सारी चीजों को खरीदने में सक्षम हो, कैपेबल हो, वो 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद सके, ऐसे नौबत आ ही नहीं है हमारे देश में, फिर भी जबरदस्ती का बोझ डाला गया। तो अब देखिए, मुफ्त सिलेंडर, कोई 450-500 रुपए में सिलेंडर, कोई होली दिवाली पर 2-2 सिलेंडर, फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त राशन, ये सारी चीजें आपको सुनाई पड़ेंगी, लेकिन ये सब आता है एकदम एजेंडे के तौर पर चुनाव के समय ही। यहां दैनिक जागरण ने हेडलाइन में क्या लिखा, राजस्थान पोल्स, पहले भाजपा ने 450 रुपए में तो अब कांग्रेस ने 400 में रसोई गैस सिलेंडर देने का किया वादा। रिपोर्ट क्या है, यहां लिखा हुआ है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए रेवड़ियां बांटने को लेकर भाजपा और कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा लगी है। 5 दिन पहले भाजपा ने संकल्प पत्र में 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देने का वादा किया, तो सोमवार को कांग्रेस ने 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। अब ये जो कंपटीशन है, इससे साफ हो जाता है कि राजस्थान चुनाव तो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तलखियां थी उसे बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये तलखियां दूर हो रखी थी। बावजूद इसके इसी कड़ी पर चोट डालने की कोशिश बीजेपी ने खूब की, लेकिन एक मंच पर यह भी देखा गया कि अमित शाह को एक बीजेपी उम्मीदवार यह समझाते हुए नजर आया कि साहब गहलोत पायलट का नाम यहां पर मत लो, ये हमें बैकफायर कर जाएगा, नुकसान कर जाएगा। अमित शाह हैरान हो गए थे। इतना ही नहीं, जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने नीतियां बनाई, जनता उससे खुश थी। अमित शाह कई रैलियों में, कई सभाओं में यह महसूस कर गए थे कि कांग्रेस से वहां पर लोग संतुष्ट हैं, वहां जो सत्ता है कांग्रेस की बरकरार रह सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरी कोशिश करती रही। अब जिस रेवड़ी की धारा से अलग बीजेपी खुद को रखती थी उसमें कूद कर अब उसी में नहा रही है और दूसरे को ज्ञान भी दे रही है। तो हो गई ना प्रधानमंत्री मोदी जी की भी फजीहत, बड़े बड़े होर्डिंग तो लगाए लेकिन अपने ही वादों के उलट चले गए, इसलिए लोग कोस भी रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।